ये देखिए 5:30 का टाइम हुआ है, मैं अभी फ्री हुई हूँ। स्कूल की छुट्टी हो गई मेरी। अभी ना हमारा टाइम चेंज हो गया पूरे कनाडा का। अगर पहले के हिसाब से बात की जाए तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 का, बट 1 घंटा एडवांस हो गया। 5:30 एंड बहुत दिनों के बाद मुझे डार्क में गाड़ी चलानी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट दैट्स ओके, वी कैन डू इट। तो चलिए जी चलते हैं। अभी वेदर बहुत प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी सी हो रही है। आज है मंडे एंड हम आए हैं मंदिर में। शर्मा जी भी मेरे साथ है, मेरी अनाया भी। शुभ लाभ, बड़ा प्यारा लग रहा है ये प्यारी सी रंगोली। ये देखो चावल से बनाई है, मैंने क्लास में भी चावल से बनाई थी। अलग अलग रंग के, हाँ वो फूड कलर डाल सकते हैं ना, बड़ी प्यारी लग रही है। नेक्स्ट टाइम मैं राइस से ही बनाऊंगी घर पे भी। नीचे आओ बेटा। तो ये दिवाली पे डेकोरेशन, चलिए भगवान का जब बुलावा आता है ना तभी बंदा आ सकता है। दिवाली पे तो हम आ नहीं पाए थे। अनाया कम ऑन। ध्यान से अनाया, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। चलिए बहुत अच्छा लगा, माथा टेक कर। और अनाया ना पंडित जी को राम राम बोल रही थी, तो पंडित जी बड़े खुश हुए। वो कहते क्या नाम है बच्चे का, बहुत अच्छा, नाइस गर्ल। जय हो जय हो। भाई ये अपार्टमेंट वाले बहुत लकी हैं, पॉजिटिविटी है ना। और क्या मतलब मंदिर के आसपास ये ये अपार्टमेंट में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती होगी। हमारे कहने से क्या होता है। गुड जॉब, आजा। अभी हम आए हैं वॉलमार्ट, क्योंकि कल हमने ग्रॉसरी नहीं की थी। कल सारा दिन बारिश होती रही है, है ना। ठंडी हवा चल रही है। आज हम आए हैं डिफरेंट वॉलमार्ट में। कितना बड़ा वॉलमार्ट है ना ये, वाव। बस हमें अपना जो सामान लेना है वो लेते हैं। पहली थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है। कंस्ट्रक्शन साइट, डू नॉट एंटर। यहाँ पे तो रेनोवेशन हो रही है। आजा आजा, नहीं लेनी हमने, आजा। इस साइड तो आई थिंक टॉयज वगैरह हैं भाई। डिफरेंट वॉलमार्ट में आके ना पता ही नहीं चलता कि किस सेक्शन में कहाँ पर क्या है। जिस जहाँ पे हम रेगुलर जाते हैं वहाँ का तो पूरा आइडिया है कहाँ पे क्या मिलना है। यहाँ पे तो अभी मेरे को टाइम वेस्ट करने वाली बात लग रही है। हाँ ये सारे गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन रखे हैं, वाओ। दूध लेना, फ्राइज, ब्रेकफास्ट, पोटैटो, आलू ही हैं ये सारे। वो बहुत पतली वाली फ्राइज मकैन की, वो वाली ले लो। अनाया ने सबसे पहले ओरियोज उठाए हैं। मीठा खाती है फिर कैविटी हो जाएगी। फ्रोजन फूड तो नहीं चाहिए हमें। ओ ले लो मसाला पनीर काठी रोल, मिक्स वेज समोसास, मोमोज, मिक्स वेज मोमोज। वो वेज मोमोज उठा के देखो, खा के तो देखे हम कभी। अब दिख गए हमें ऊपर ये आइल्स, ना आइल्स दिख रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा। सड़कें ना अभी भी गीली पड़ी हैं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। चलिए जी ग्रॉसरी हो गई, अब घर चलते हैं, खाना बनाना है। कोई बात नहीं, फिर बच्चों के स्नैक भी पैक करने हैं। ओके
या मुझे लग रहा था ये वाले हैं। ये वाला वॉलमार्ट है तो बहुत बड़ा, पर आदत नहीं है ना यहाँ से सामान लेने की, तो कुछ मजा नहीं आता फिर। चलिए जी घर चलते हैं। हाँ ज्यादा मीठा नहीं है ना, ना ना मैं नहीं पी। ਜਿਵੇਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂਗੋ ਫਲੇਵਰ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਕਸਟਰਡ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਥਿਕਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਿਪ आज मंडे है तो मंडे का दिन बहुत अच्छा गया। बिजी तो था ही बहुत, सुबह उठ के जैसे रूटीन लाइक जॉब पे गए है ना स्कूल में, और अभी टाइम चेंज हो गया है तो अंधेरा होने लग गया है। एंड जब मैं आई घर पे मतलब शाम को जब मैं आ रही थी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, और उसके बाद डायरेक्टली हमें मंदिर जाना था। एंड ग्रॉसरी नहीं की थी तो ग्रॉसरी भी लेनी थी। हालांकि आज मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरी आईज़ देखिए रेड हो के रखी हैं, ये वाली आईज़ काफ़ी रेड हो रही है। मतलब हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है ना, आई डोंट नो, जो त्योहारों की थकावट थी वो अभी तक नहीं गई है। मतलब ना माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा, काम का बर्डन इतना ज़्यादा हो रखा है। करनी चीज़ें सभी ज़रूरी हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भी देखना होता है। आज अनाया को इंजेक्शन लगे हैं दो, बाजू पे लगे हैं यहाँ पर, बट शर्मा जी बोल रहे थे कि वो नहीं रोई, थैंक्स टू गॉड। हम ना पहले क्या करते हैं, अनाया का माइंड प्रिपेयर कर देते हैं, फिर इससे बच्चे का जब माइंड प्रिपेयर होता है ना बच्चा डरता नहीं है, है ना। और डॉक्टर भी हैप्पी था कि अनाया अच्छा टॉक करती है, सब कलर्स वगैरह जैसे वो उन्होंने अपने लेवल पे चीज़ें पूछनी होती हैं तो ये बता रही थी। एंड जब मंदिर में इसने पंडित जी को राम राम जी बोला ना, मेरा मतलब मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा था, वो बहुत खुश हुए एकदम से, बोलते नाइस गर्ल, मेरे को कहते इसका नाम क्या है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चों को जो चीज़ें हम सिखाते हैं जब बच्चे वैसा करते हैं तो बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है। ऐसा हो रहा था कि बच्चे लाइक अनाया ने आज मुझे बहुत प्राउड फील करवाया। डॉक्टर ने भी बोला कि बच्चा बहुत अच्छा अच्छे ढंग से चीज़ें कर रहा है, एक्टिव है। तो जब ये चीज़ें सुनते हैं ना तो जो थकावट होती है, जो चीज़ें होती हैं वो सभी ना गायब हो जाती हैं। मेरे को भी इतनी नींद आ रही है ना, मतलब ऐसे हो रहा है कि सो जाऊँ, आईज में ना ऐसे समझ नहीं आ रहा इतनी थकावट क्यों नहीं जा रही ये। कल रात भी मुझे 2 बजे नींद आई है, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और मुझे सुबह स्कूल जाना था, सुबह 7 बजे मैं उठी हूँ और मतलब मन नहीं कर रहा था, बट फिर वही है सभी काम करने होते हैं, खाना बनाना सब कुछ। एंड या जब सर्दियाँ शुरू होती हैं ना मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, मतलब आई डोंट नो होता है ऐसा, मैंने नोट किया है। और आजकल ना काम का बर्डन कुछ ज़्यादा ही लगने लग गया है, आई डोंट नो सेहत ठीक नहीं है या क्या है ना, अब ना 24 आवर्स भी कम लगने लगे हैं। ऐसा होता है कि
दिन ना 48 आवर्स का हो जाए। यहाँ पर तो जैसे ठंड पड़नी शुरू हो गई है एंड इंडिया में आई डोंट नो टेम्परेचर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बट हाँ अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ठंड की। अभी तो स्नो भी पड़नी है, उसके लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है हमें। और आज स्कूल में दिन बहुत अच्छा गया, यू नो पेरेंट्स बहुत खुश थे कि आप लोगों ने दिवाली स्कूल में इतने अच्छे से सेलिब्रेट की। स्पेशल मुझे थैंक्स बोल रहे थे बिकॉज दे नो कि मैं ही इंडियन हूँ वहाँ पर, मीन्स मेरी क्लास में, तो सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। ये हैं दिवाली के दिए, मैंने ना धो के अच्छे से सर्फ के पानी में रख दिए हैं, नेक्स्ट ईयर फिर यूज़ करेंगे। आई नो आप बोलोगे कि पुराने दिए यूज़ नहीं करते, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम नदी में या किसी भी रिवर में ऐसे प्रवाहित कर सकते हैं, रूल्स के अगेंस्ट होगा। सो इस वजह से मैंने इनको अच्छे से धो लिया है, नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लूँगी मैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं घर, टाइम हो रहा है 8:10, कपड़े चेंज कर लिए हैं, सामान लगा दिया, आरव ने हेल्प की है, अमन ने हेल्प की है, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा वाला। तो चलिए जी, बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।